श्री वैकुंठभ्यो मैं नहीं किया नहीं ना मुरा सत संगत उसनों आख्या जाता है। सत संगत वो हुंदी है
जिते एक को ही अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु अल्लाह तला गोविंद नारायण पीठक प्रभु दे गुण गायन किए जा रहे हो उसकी उपमा होंगी हो उसकी वडियाई होंगी हो उसकी कीर्ति होंगी हो उसनु सत्संग किया जाता है। जिथे दुनिया दिया विचार होंगे होर घर दिया विचार होंगे हो रिश्तेदारी दिया विचार होंगे हो सत संगत ने गुप्त संगत है क्योंकि उसे गुरु की गल तो होंगी ने अपनिया साड़िया विचार होंगे ने अपनिया साड़िया गल होंगे सिखे सिखिया गुर विचार गुरु की विचार करने ये उसकी उपमा है उसकी वडियाई है उसके गुण गाने ने गुरु खालसा जी अज का एक बड़ा भयानक समा कलयुग का चल रहा है बहुत भयानक समा है कलयुग का क्योंकि चार युग होए ने सतयुग होया है त्रेता होया है द्वापर होया है द्वापर तो भाव है दूजे का पर इत्थे त्रेता पहला लग गया ते द्वापर बाद विच आया क्योंकि जिहड़े अकाल पुरख परमात्मा नूं मन्नण वाले नूं उहदी बंदगी विच रहण वाले ने उह युग वी बैठ लगे पातशाह जी दी बाणी अंदर फरमान है गौतम नाम छड़िया इसतरी दिस देख इंद्र लवाया सहज शरीर केहन पग होवे तौ मन पछुताया गौतम लिखी है वो अल्लाह की तरह भी वाहगुरु के राम के बंदगी में रहा है हर वे घरों है इसे जिरा नया इन्नी सुंदर है कि वो वर्गी होर तो सुंदर ना है नहीं सुंदरता से नजर पै गई चंद्रमा की चंद्रमा की नजर पै ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਵਾਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਜੇ ਘਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਹਿੱਲਿਆ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰੂਪ ਭਗਵਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਖਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਜਲੀ ਗੌਤਮ ਲਿਖੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਦੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2 ਵਜੇ ਕੁੱਕੜ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਤਮ ਲਿਖੀ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਦੀ नदी के इनान तक चले जाते जलो पिछे इनान करते अपनी लड़के अंजलि अपनी माता माता के पहरे से ला के जाते हैं कि अंदर कोई होर आदमी आ गया हूँ इस इंद्र देवते ने जरा मन लुभाए मान होया है ये इंद्र देवता ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਪੂਰਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਕੁੱਕੜ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੁਕਰਮ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ अमृत वेले कुकर के नाल भी इंद्र देवते ने सलाह कर ले चंद्रमा के नाल भी उसनु मना रहा
कि तू बैठा है अपने कला रखने है ते कुकड़ नु कहता है तू ही अपने बाग बैठा दे दे। कुकड़ ने बांध दी। गौतम ऋषि जी उठ के नदी के स्नान तक चले गए ते पिछों इंद्र देवता गौतम ऋषि का रूप धार के उनके घर गया ते अंजलि उसकी लड़की ने देखा कि मेरा पिता ही वापस आया है, अंदर चला गया। गौतम ऋषि के कन्नर के अगमी बात है कि तेरे घर में तो लुट पै गई है, तेरना हीरा फिर ही हो गया, धक्का हो गया है, जल्दी अपने घर चला जा। गौतम ऋषि जी वापस अपने घर जदों आए अंजलि को पूछिया अंदर कौन है, वह कहते पिता जी तुम तो सगे हो गए है कोई नहीं, वो कहते पुत्र मैं तो हूं आया। इंद्र देवते ने जदों देखा कि गौतम आ गया तो उन्होंने भजना शुरू किया है, तो गौतम ऋषि जी ने शराब देता तू एक भगनी खातर एक धोखा से बेईमानी की अमृत वेले जा तेरे सिर से हजारे भगा बन जाते शरीर का कट गया, शराब दे दिता इंद्र को, शराब दिता चंद्रमा शराब दिता कि तेरी कला घटती बढ़ती रहेगी, कुकर को शराब देता कि तेरे काम से हम कोई विश्वास नहीं करेगा, अपने इसी पति वर्ता स्त्री यह ब्याह को शराब दे दिता कि जा तू एक सिर बन जा, सिर को भाव है पत्थर का, जो तू पत्थर बन जा। हूँ उन्हें चरणा से दिल पी अपने पुत्र अंजलि को शराब दे दिता है कि तेन कुआरी को ही बच्चा पैदा हो जाए, और एक भूरा पक लिया वो लड़की ने, वो भूरे से रहने करके मैं किसी मर के मथे नहीं टेकना तो मेनू बच्चा कि पैदा हो जाएगा। एक सिमरन भजन बंदगी करने का शराब है करना नहीं, यह ब्याह को जो शराब दिता फिर तू जा सिर बन जा पत्थर बन जा। उन्हें चरना से मथा टेकिया से दिल पे ढेरी हो गई, ये शराब से तो आटा करना नहीं, पर यह हम कृपा भी कर दे हो कि मेरा आधार किमें होगा। तो गौतम ऋषि जी ने आख्या तेरा आधार होगा जदों श्री रामचंद्र महाराज के चरणों की तेन शोभ प्राप्त होगी तो उस वेले तेरा आधार होगा। वह सोचा भी नहीं पै रहे सचमुच है, इस तो दुआ बाद दुआपर लगना है तो श्री रामचंद्र महाराज त्रेते युग में आएंगे तो मैं त्रेते युग तक मैं पत्थर बने रहांगी। कहते तुम तो शराब दे दिता मैं पत्थर बन जाना है, पर मैं भी एक पति वर्ता स्त्री हाँ, मैं भी वचन करती हाँ कि पहला त्रेता लगूगा द्वापर बाद में लगूगा पहला जो कमी कर दिता है। एक पति वर्ता स्त्री ने यह लिया ने योग बदली कर दिता, त्रेता पहला लग गया द्वापर बाद में लग गया, रामचंद्र महाराज के चरणों की शोभ प्राप्त हुई ते ओदा आधार होया। उधर उन्होंने पुत्र अंजलि जिन्हों शराब दिता कि तेन कुआरी बच्चा पैदा हो, कुआरी बच्चा पैदा होना उन्हें भूरा पक लिया, भूरा पट के जमीन से बैठे बंदगे करती रहते कि मैं किसी मर्द के मत्थे में लगना तो मेरे बच्चा किमें पैदा हो जाऊ, शराब विद्वान के अनुसार शेवजी की ड्यूटी लगी कि जाओ ये शराब को पूरा करना है, ये शराब को पूरा करने वास्ते विद्वाना के कथन के अनुसार वो किसी मंगना गल नहीं करती, शेवजी बाहर बैठे ने कहते अपना कन्न कर मैं तेरे नाल गल करनी है, एक पाइप एक नलपी दे अंदर छुट्टी
अपने कान नू ला ला कहते हो गिटी पाया तेरह बच्चा फैल गया जो कि हनुमान जी पैदा हो गया। सो गुरु खालसा जी यो जहे भी पैदा हो जिन्होंने युग पहचान दिते ने सतयुग सती त्रेता जगी द्वापर पूजा चार तीनों युग तीनों त्रिवे कल केवल नाम ही आधार कल केवल कल तो भाव है कल युग का कलयुग के अंदर आधार कद ना होना कल केवल नाम आधार नाम जपना चुमन करना आधार होना सतयुग कितने आधार होता कि सतयुग सते सच बोलिया जाता थी सारे ही सच बोलते थी तो उन्होंने आधार हो जाता जिन्हें सारी जिंदगी सच बोलना त्रेता जगी त्रेते युग के अंदर जग किए जाते थी महाराज जी बाणी भी फरमान करते हैं कैंडा मार होम जग टीके देवत्या की बाणी जानवरों को मार मार के उन्होंने जग किए जाते सन कऊ प्रवान होता भी तो कहते वो आधार हो जाता त्रेता जगी त्रेते युग के अंदर जग किए जाते सन बहुत बड़े बड़े जग किए जाते सन द्वापर पूजा चार द्वापर युग के अंदर पूजा होती थी मूर्ति पूजा की जाती थी ता आधार हो जाता थी जीवन सफल हो जाता थी तो हम कलयुग आ गया द्वापर युग के अंदर महाभारत होया पंजे पांडव कृष्ण महाराज के पास जाते हैं कल केवल नाम आधार कलयुग का समा नाम के आधार है इते नाम जपन नाल सबर करने नाल आधार हो जाता है। इन श्री कृष्ण भगवान द्वापर युग के अवतार ने कृष्ण भगवान महाराज के चरण खड़े हुए ने पंजे पांडव वाले हर रोज उन्होंने पास उन्होंने सत्संग सुन वास्ते जाते हैं उन्होंने पास रहते हैं सेवा भी करते हैं मुड़ के आपो अपने आश्रम से आ जाते हैं। किशन भगवान महाराज जी के पास जब सत्संग तो बाद रहते हैं तो किशन भगवान महाराज जी आते हैं पंजे पांडवों को कलयुग आने वाला है महाराज जी बाणी अंदर भी फरमान है कलू आयोगे एक नाम बोलो एक नाम बोलो एक नाम बीज लाओ कलयुग का समय आ रहा कलयुग आ रहा है। कृष्ण महाराज जी पंजे पांडवों को पूछते ने कलयुग आने वाला है थानू कलयुग का राज जो आइए कलयुग का राज लेना वो कहते महाराज ਤੁਸੀਂ ਹਰੋਂ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਕਲੂ ਆਇਓ ਨੇ ਨਾਮ ਬੋਲ ਨਾਮ ਬੀਜ ਲਓ ਨਾਮ ਬੀਜ ਲਓ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਓ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਔਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤਾਵਾ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸੂਗਾ। ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਗਏ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੱਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਲਯੁਗ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵ ਕੋਲ ਬਹਾਲ ਲਏ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਹਿਦੇਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਹਿਦੇਵ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਹਮਾਰਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਸੁੰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਣਨਾ ਘਾਤ ਖਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਸੁਣਨਾ ਮਾਤ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ
कहते नुकर तेनों को सपना आया। हाँ महाराज आया। तेन सपने अंदर की वेख्या? कहता महाराज मैं एक गां वेखी है जिहड़ी के बच्छी का दुग जुग गई। एक गां वेखी जिहड़ी के बच्छी का दुग जुग गई। फिर आवाज मारी अर्जुन तेनों को सुपना आया? हाँ महाराज मैनों भी सुपना आया। तू सुपने अंदर की वेख्या? कहता महाराज मैं सुपने के अंदर तीन खूह वेखे। पहले खूह का पानी दूजे खूह नूं छड के तीजे खूह विच पै गया। तेनों को सुपना आया? हाँ महाराज मैनू भी सुपना आया। तू सुपने अंदर की वेख्या? ना महाराज मैं एक हंस वेख्या जिहदे एक परां दे उत्ते कुरान शरीफ दीआं आयतां लिखीआं सी ते दूजे पासे परां दे उत्ते वेदां दे हलोक लिखे होए सी। पर महाराज ओह हंस गंदगी खा लिआ। फिर जगदीश्वर नूं आवाज मारी, जगदीश्वर तैनूं भी सुपना आया? हां महाराज मैनूं भी सुपना आया। तूं सुपने अंदर की वेख्या? ना महाराज एक पहाड़ दे उपर इक पत्थर रुढ़िया। उस पत्थर दे अगे जो भी आया ओह भन्नदा ही चला गया। चाहे वो वड्डा दरख्त सी चाहे छोटा सी चाहे कुछ भी सीगा, ओने किसी नूं बख्शिया नहीं। सब तोड़दा मरोड़दा भन्नदा ही चला आया। जदों थले आया अध विचाले एक डखा सी इस तरह खड़ा, ओहदे नाल भी नहीं लग सकिया, ओहदा कुछ नहीं बिगाड़ सकिया। कृष्ण भगवान महाराज जी कहते ये कल होगा, कल जो यही कुछ होगा। पर जे आखण लगे महाराज इस तरह बिजाता ना पाओ, सानू खोल के विहार ना दसो, कल युग दे विच की होना ये ना दसो कि ये कुछ होना। फिर आखण लगे सहदेव जिहड़ा तैनू सुपना आया कि तू एक हाथी वेख्या जिहदे दो सुण दे, इक ना घास खा रहा सी दूजे ना मांस खा रहा सी। कलयुग दे समय अंदर आउण वाले राजे महाराजे इहो जिहे होणगे, सच्चे नूं भी खाणगे ते झूठे नूं भी खाणगे। इह नहीं बख्शणगे। ते नकल ने आख्या महाराज जिहड़ा मैं सुपना वेख्या ਉਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁਗਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੋਕ ਧੀਆਂ ਦਾ ਘਾਰ ਖਾਣਗੇ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਰਜਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਖੂਹ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਖੂਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਜੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? कृष्ण भगवान महाराज जी आखन लगे अर्जन कलयुग के अंदर नाल दे जमे हुए सके भरा सिर कटना पैर होगा, तीजे नूं जाके अपना धर्म दा ते पग वट भरा पाउणगे, अपने भरा दा सिर कटना पैर होगा उहनूं भरा होगा तीजे। फिर भीतर ने आख्या महाराज जिहड़ा मैं कहां सवेखिया है ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਸਲੋਕ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਮੌਲਵੀ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਾਈ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੂੰਹ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ ਮੈਂ ਛੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਉੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ
उन्हें छड़िया को नहीं उपाधा ही चला गया तोड़ना मरोड़ता ही चला गया पर वो एक टके का को नहीं बगाड़ सकता कहते वो सी कलयुग वो सी झूठली पंड वो सी कूड़ली पंड ओदे अगे कलयुग दे जो आया उन्हें किसी नूं बख्शिया नहीं वो सब तोड़ता मरोड़ता चला गया उन्हें किसी नूं नहीं बख्शिया कहता महाराज टका कहते वो परमात्मा का नाम नहीं गिरा कुछ बगाड़ नहीं सकया वो पीछे ही रह गया इसलिए सब युग सत्य त्रेता जगे द्वापर पूजा चार तीनों युग तीनों निर्णय कर देव नाम निधार कलयुग का समय नाम दे दाते है फिर प्रदीप पांडवा ने हाथ जोड़ देते महाराज सानू कलयुग का राज नहीं चाहिए कृपा करो अभी सने भी असि सुवर्गा उसी तरह चले जाना पंजे पांडव द्रौपदी के नाल इन्हां दे पुत्ता इस सुवर्गा नूं चल पा कभी सने भी चले जाना थोड़ी दूर गए बर्फा दे विच धस गए सहदेव पिछे रह गया फर्क के बचों निकल नहीं होया बाजा मार रहे ने कहते शुरू भ्राता जी सहदेव रह गया कहते तुसी चले आओ जिहड़ा रहिंदा रह जाण दे की कर सकते हैं जिन्नी कु मत जिन्नी कु सूझी है उन्ना की करना है तुरे चले गए सहदेव पिछे बर्फ के बच्चे रह गया नहीं जा सकया अगे गए फिर बाजा पैन लग पाता जी नकल भी रह गया कहते इन्हें रहना ही छा इन इस गल से मान थी कभी बड़े भगवान से बड़े तक चले गए फिर बाजा पै रहा जी रिश्ते सब तो अगे जा रहा है फिर बाजा पै रही भ्राता जी अर्जन भी रह गया कहते इन्हें भी रहना जी इन बड़ा मान थी अपने आप से कि मैं बड़ा निशानेबाज हूं बड़ा मान थी ये हंकार ही बंदे ने रहना ही फिर जा रहे ने और रह कौन गए द्रौपदी रह गई कुत्ता रह गया भीम रह गया तो युधिष्ठिर रह गया बार पैन आप प्राता जी मैं भीम हाँ मैं भी रह गया मैंने तो रह करो क्या तू भी रहना जी तेन अपने खान से बड़ा माण जी तू खाता ही बहुत सीधा बड़ा माण जी तेन खान से तू भी रहना जी अगे जा रहे हम द्रौपदी भी रह गई ਉਹ ਵੀ ਬਰਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਏ ਦਰੋਪਦੀ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਦਰੋਪਦੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰੇ ਪੰਜਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਦੇਵਤੇ ਆਏ ਨੇ ਬਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬਿਮਾਨ ਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਹਾਰੋ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਬਵਾਨ ਵਾਪਸ ਜਿਸ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ
कि जिहदे नाल जगेश्वर दे नाल चलिया है जो जगेश्वर ने सारी जिंदगी सच बोलिया सारी जिंदगी, पर जंग के दौरान एक जगह झूठ भी बोलिया। हुण देवते भगवान विच ठा के ले जा रहे हैं, राह भी भगवान भी नाल नाल है। धर्मराज के पास पेश होए जगेश्वर, सारी जिंदगी साथी बोलिया, सच ते पहरा दिता, एक झूठ बोलिया, तेन नरकों ने आख्या पहला नरकों से जिहड़ा थोड़ा समा मैं नरकों से गुजार लवांगा, बाकी का समा मैं स्वर्गों से गुजारा। हम नरकों में जा रहे मेरी घरवाली द्रौपदी ने भी उत्थे भेजो ने मैं भी सरकार जी लिया दिन वाला भी दे गया।
समा जीवन अधूरा रह जाता है। तो इस करके प्राणी तू आया लाहा रहन लगा के तरफ अपने सब करी चली रहन तेरा तेरा आदमी का जा रहा तू लाहा रहन वास्ते तू लाहा की रह गया भजो गोविंद भूल मत जाओ मां से जन्म का यही लाओ सुखी लाहा मनुखा दे तो आओ आप उस महान ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म वेता ब्रह्म श्रोत्री ब्रह्म लीन धन धन 108 गुरु नानक नाम लेवा बाबा दूला सिंह जी महाराज ठक्करवाल मौजूदारा विखे आप सरवार संगता पहुंच के अपने जीवन को सफल करने वास्ते ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਭ ਬਾਤੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ प्राप्त करने वास्ते आओ सब तो पहला आपू अपनी हाजरियां लगवाइए एक मन चित हो के महाराज का ध्यान करके एकाग्रता विच मन नूं लिया के मूल मंत्र का जाप करिए अपना जो महीने के अंदर महाराज जी ने सब दे एक सांझा उपदेश बख्श किया है उसनूं सरवण करिए एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल पुरख अजूनी सैभंकुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल पुरख अजूनी सैभंकुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंकुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंकुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंकुर प्रसाद जपा आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी पाप दुआएं परम बलाणिया दूजे लगाई ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਗਵਾਂ ਭਰਮ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲਗਾਏ ਲੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਤ
दिन जी बिंद कित कैन प्रीत पखड़ चलायन दूत जम किस नी पीत छट करो देखने माहे जिन जोल का है हाथ मरूड़ी तन कपे स्यावो हुआ फीत जी हा भी जय सोलने कर्म सदड़ा कीत नानक प्रभ शरणागति चरण पोहत प्रभ दीत श्री पद नरक न पाइय गुर रखण वाला हीत पंजी पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन जी महाराज इस राग माज के अंदर सब वास्ते साझा उपदेश दे रहे ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਗ ਮਾਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹਾਂਚਾਰ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰਾਂ ਮਹਾ ਦੋ ਨੇ एक है बारहवां राग तुखारी के अंदर धन धन साहब श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने उच्चारण किया वो बाणी बड़ी महंगी बाणी है बड़ी कठिन बाणी है जिड़ी कि आम समझ नहीं आती कि उस समय के सिखा दिया बेनतियां परिवार करद्या होया ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗ ਮਾਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰਾਂ ਮਹਾਂਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਰਾਂ ਮਹਾਂਚਾਰ ਕੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਪਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰਵਲੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ महाराज बिछड़े होया हूँ मेर कर लवो हूँ रात कर लो किरत कर्म के बिछड़े कर कृपा मे दो राम महाराज कृपा करो चार कुंड दैनिक भर के थक आए प्रभु सारे पासियों तो हार के थक के चारे कुंडा कुंडा धो के तोर फिर के हम तेरी शादी में फिर आए कृपा करो हूँ बिछड़े हूँ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਚੱਕ ਵੀ ਚੌ ਨੇ ਦਵਿਛੜੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਜੋ ਨਾ ਵਿਛੜੇ ਰਾਮ ਸਿਓ ਨਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਚੱਕਵਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਟਾਹਣੇ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਚੱਕਵਾ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਟਾਹਣੇ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚੱਕ ਵੀ ਜੋ ਨੇ ਸਵਿਸਰ ਹੈ ਆਏ ਮਿਲੇ ਪਰਵਾਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨਰ ਵਿਛੜੇ ਰਾਮ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਮਾਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰਵਲੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰਕੇ ਪਰ ਮੇਲੋ ਰਾਮ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਚੱਕਰੀ ਦੀ ਚੱਕਰੀ ਦਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ
चाकुली जी चाकुली दोनों ने सलाह की थी कि साडा रात को छोड़ा पै जाए। चकवा कहता चक लिए चल चलिए पास लोग आ रहा कहती उठे की करना है उन्होंने हाथ जोड़ के आखी एक संगल कर दी प्यार वो कहती फिर जो वेखिए सूरज डुबदा झट लीए पैरों मार एक दूजे के पैरों को संगल डालना जो साडा भी छोड़ा नहीं पवेगा। चक भी कहती चक लिया क्यों करता हाए हाए जे रब को इवे भाव जी का संगल भेज टुट जाए वो कि रहना साडा विछोड़ा पैना ही पैना। जे उन्होंने पौधा होया कि साडा विछोड़ा रात को पैना तो संगल के टुट जाए पर जितने करना है आप क्योंकि पंजी पातशाह साहब गुरु अर्जन देव महाराज जी का एक शब्द है उस शब्द के अंदर पातशाह जी फरमान करते हैं काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इन्हें आप छुड़ा दो इन्हों तो तुम छुड़ा सकते हो नहीं असि अपने आप छुट नहीं सकते। काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनके आप छड़ावो ये पितर के इन को डालो इन्हों बाहर कटो अपने पिटे वालो सू अपने पास इन्हों बाहर कटो सुइस करके पातशाह जी ने इतने प्रमाण किया भाई सब दे इस महीने के लिए उपदेश है इस महीने के अंदर बार 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 मैं बलानिया दूजे लंगाएगा भादो के महीने में आके थां थां से भादोरा से भटकदा फिरता है कभी किसी की लगता कभी किसी का बदला फड़ता कभी किसी का बदला दूजे लंगाए दुनिया के उत्ते तुरिया फिरता है असल मार्ग को छट के भरम भलेखिया पै गया लग जगार बनाया कर जनाई केद बड़े हाथ शिंगार कीते ने पर उन्हें सफलता नहीं मिली कोई कार्य देने नहीं चढ़िया जे कदे कदे मिंट ते एक वेले कहतन प्रेत जिन्हें तो इन्हें पापड़ वेलदा फिरता है इस महीने के अंदर वो किसी लिए अपने परिवार ने अपने धियां पुत्रां ने कहते जितने ये भाव ने अदारी मार देना फिर तेन कहना इन घरों का चक लो तेन प्रेत आखे तो हम भूतना है तो प्रेत है जे कदन अच्छे फिर सभी जिस वेले देह उस आत्मा ने छड़ जाना भी कहना ये तो प्रेत है पकड़ा चला इन दूत जामा किसे न देनी भेद जम दूता ने आ जाना ते उन पकड़ के तेनु ले जाना फिर दस के नहीं जाना फिर कितने लै के चले ते कौन लै गया छाते करो देखने माहे जिन जो लगाए जिन्हों का तुलना मोह करता है जिन्हों के लिए इन्ना तो टुट टुट के मरता है कहते एक शहर छड़ के पर्दे हो जाएंगे एक दिन तेरे जसवास पूरे हो गया जिन से लगा है तो जिना ना तेरा वो ममता में फसिया पिया कहते छड़ के तेरे को पर्दे हो जाएंगे हाथ मारो रे तन कपे स्या हो आते ना हाथ मारो रे तन कपे तेरे कमर लगना हाथ मुड़ जाने ने स्या हो आते ना तेरे ते पल्ले अपने कुछ भी नहीं रहना तेरी भी अपनी सुहा हो जाने कुछ नहीं रहता जे हावे जै सोलने कर्मा नंदरा केदा जे हावे जे जो पीजेगा सोलने उगे कुछ मिलना लुने को पापा पहने का उगे कुछ मिलेगा हो तक बढ़ना पहना जिन से हो लगा ये तो जो पीजेगा इना देवे तला के मो माया के फल के तेरे को जमादी मार खाने ही पड़ेगी जी हावे जै सोलने कर्मा नंदरा केदा एक खेत तेरा एक शरीर जरा एक खेत है ते पाचा जी फरमान करते ने खेत शरीर जो बीजिए इस शरीर खेत में जो को बीजेगा सुवंत करूंगा आए अंत समय तेन ओ ही बोले बैठा ये तेरा शरीर भी एक खेत के न्याय है हथा पैरा के नाल जो ना काम करता
जीवा दे नाल भरोसा दे नाल चंगे बोल बोलदा ते चंगा फल मिलेगा, माड़े बोल बोलदा ते माड़ा फल मिलेगा। तो इसे तरह पातशाह जी फरमान करदे ने तेरा शरीर ठीक है जो बिंदेगा जो बढ़ लगेगा। नानक प्रभु शरणागति जन मोहित प्रभु देखा। नानक प्रभु शरणागति प्रभु के स्थान विच आ जाए ये बहुत वड्डा एक बेड़ा भव सागर नु पार कर देगा। चरण मोहित प्रभु देख मोहित तो प्रभु है बेड़े का तेनु पार कर देवेगा जे तू प्रभु के स्थान विच आ जावेगा। नहीं तो इसी तरह ही भटकदा ते भटकदा रहेगा। परमात्मा है प्रभु नानक प्रभु शरणागति चरण मोहित प्रभु गीत प्रभु के जमना के नाल जुड़ जा ताकि तेरा जीवन कमरा हो सके। ये भादों के महीने में भटकदा रहा ते नरका में जावेगा जे जब भटक रहेगा प्रभु के ते स्वर्ग वाले पासे निकल पवेगा। तो बादशाह जी ने इस भादों के महीने के अंदर सब बात ने साझा उपदेश दिता कि भाई प्रभु के जन भगत ला प्रभु के नाम पद की सिमरन कर लै ताकि तू अपने इस जीवन सफल कर सके ताकि इस जीवन के अंदर आके तू इसका लाहा ले सके तेरा जीवन सफल हो सके। सुदास अपनी बाणी में ब्राह्म दिंदा हो इतने कीमा का जातक है आईया हुई सर्वत संतान जो दूरों रेडियो करके आईया ने जो मालवे की धरती तो चल के आईया ने जो दुआबे की धरती तो चल के आईया जो विदेशा की धरती संगत चल के आईया सब संगत का तह दिल तो धन्यवाद। धन धन प्रज्ञानी बाबा दूरा सिंह महाराज तिना के सारे दरबार के वालों सर्वत संत सेवादार वालों आईया हुई सर्वत संत जी आया आप जी का एक खादन का संदेश मत जी आया गुरु महाराज कृपा कर आप आई हुई सर्वत संत हाजरिया अपने दाते प्रवान कर आप जी दुरमत के अनुसार जो भी है मन दिया भावना जो कामनावान महाराज वो आप सर्वत संत पूरिया कर आप चढ़िया कला बस कर तो आओ प्रसाद बताया जाना है। गुरु के नगर चलते ने जिन्होंने छक लिया ठीक है जिन्हें नहीं छकिया वो गुरु के नगर शकर जी वाहेगुरु खालसा वाहेगुरु। समूह संगतान को बेनती है कटिया जोड़ा दिन करना डॉक्टर फ्री आई ने जो कि फ्री ट्रीटमेंट करते हैं उन्होंने सिर्फ अद्धा घंटा है और 3 बजे तक ने जिन्होंने अपना कुछ दिखा हो दर्दा होती हो कोई लत्त बाह की हड्डिया की प्रॉब्लम होड़ा की प्रॉब्लम हो दिखा सकते हैं वो डॉक्टर साहब आए हुए हैं इतने नाल ही कमरे के अंदर तो ये बेनती प्रवान करनी जिथे इस मन की दवाई मिलती है मन की खुराक मिलती है मन की दवाई मिलती है उत्थे तन की भी नाल ट्रीटमेंट होता है भी नाल मेडिसन दिखती जाती है। जे तन रोग है जे शरीर रोग है तो मन भी खुराक मिलती रहेगी चंगी तो नाम दबता रहेगा। जे शरीर के दर्दा होंगे जो व्यवहार करेगा तो रब रब नहीं क्या होता फिर रब रब क्या इस करके अपने तन भी ठीक रखना स्वच्छ रखना है तो वह भी मेडिसन दवाई मुसीबत को ठीक करा सकते हो वो मेडिसन दे नहीं देते वैसे जोड़ा हड्डिया ठीक करते हैं तो दवाई वैसे उदा सुन देते जरूरत हो तो आप चेक करा सकते हो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु।